लाभ बोल रहे थे जी। जैसे कि बंगाल में आपने जो कहा, आपने कहा मोदी जी की, और मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, जो मुझे समझ में आता है कि इट्स क्वाइट क्लियरली अ ट्रांसलेशन। आपने कहा दोज हु ऑब्जर्व दुर्गा अष्टमी एंड दोज हु स्पीक बंगाली दे आर ऑल मदर इंडियाज चिल्ड्रन। कल मैंने उसको जरा और आप लोगों को समझ में आया इसलिए दूसरा बोला। मैंने कहा देखिए दो प्रकार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसमें आप देख लीजिए, मैं वही बोला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, मैं वही बोला हूँ जो ममता बनर्जी ने 4 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में बोला था, मैं वही बोलता हूँ जो 1996 में इंद्रजीत गुप्ता ने एज अ होम मिनिस्टर एज अ लेफ्टिस्ट बोला था, मैं वही बोल रहा हूँ जो 1995 में या 6 में पीएम सैयद जो हमारे एमओएस होम थे उन्होंने जो बोला था वही मैं बोल रहा हूँ। दो बातें हैं, आप मुझे बताइए दुनिया के किसी भी देश में इंडियन ओरिजिन होगा अगर उस देश में उसको दिक्कत होगी, अफ्रीका में हो, फिजी में हो, जावा में हो, सुमित्रा में हो, सुरीनाम में हो, वो जाएगा कहाँ? उसका पासपोर्ट का रंग तो अलग है, 150 साल से वो गया हुआ है, क्या गुनाह है, कहाँ जाएगा? उसके लिए एक ही जगह है, वो यहाँ आएगा। क्या इस देश का कर्तव्य नहीं है कि 100 साल 150 साल पुराने उसके जो भारत के बेटे हैं जिसको अब वापस आना है, मुसीबत में है, वो कोई लूटने के लिए नहीं आ रहे, क्या उनके साथ न्याय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहां से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है, जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं जो भारत माँ की जय बोलते हैं, अब दुर्गा का आपको बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन भारत माँ की जय बोलते हैं, वे आते हैं तो इस देश ने क्या उनको मरने के लिए धकेल देना चाहिए क्या? जाओ वापस मारो काटो, जो होगा होगा, तुम जानो तुम्हारा नसीब जानो, हमारे पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उनको मरना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहता कि अगर आसाम में ऐसे लोग आए हैं, बंगाल में आए हैं, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आसाम और बंगाल की नहीं होनी चाहिए, गुजरात ने भी कुछ लोगों को संभालना चाहिए, राजस्थान ने संभाल, पूरे देश ने थोड़ा थोड़ा बांट लेना चाहिए, लेकिन इनको हमारा लोगों से समझाना चाहिए। जो इन्फिल्ट्रेटर हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आते हैं, और हमारे देश के राजनीतिक दल आज से पहले कभी इन्फिल्ट्रेटर्स के पक्ष में नहीं बोलते थे, कुछ खुलकर के विरोध करते थे, कुछ मौन रहते थे। पहली बार देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेटर्स के संबंध में निमंत्रण देने की बात हो रही है, और जो निमंत्रण देते हैं मैं उनको पूछता हूँ, जो खुलकर के कहते हैं कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर आते हैं तो तस्लीमा नसरीन के लिए उनका एटीट्यूड अलग क्यों है? तस्लीमा को तो हम बंगाल में नहीं रहने देंगे, ये आंदोलन क्यों चलाते थे? तो ये दो मानदंड किसके हैं? और इसलिए मेरा कहना बहुत साफ है, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है। तीसरी बात है, पाकिस्तान से राजस्थान में 45 साल से हजारों परिवार आकर के पड़े हुए हैं, अभी तक वो भारत माँ की गोद में आकर के अपना सर छुपा के रह रहे हैं, उनको माँ का प्यार चाहिए, कोई उनको भारत माँ का लाल कहने के लिए भारत की सरकार करने को तैयार नहीं। आपके यहाँ बंगाल में मथुआ समाज है जो बांग्लादेश से आया है, भारत माँ की जय करने के लिए आया, और कोई इरादा नहीं उसका, कुछ लेना पाना, गरीब लोग हैं, 40 साल हो गए उनको नागरिकत्व नहीं दिया जा रहा है, सिटीजनशिप नहीं दिया। आप बांग्लादेशियों को तो सब दे रहे हो, घुसपैठियों को, शरणार्थी को कुछ नहीं दे रहे हो। ये जो हमारी वोट बैंक की राजनीति है, किसी ने तो वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर देश के हित में बोलना, मैं हैरान हूँ आप जैसे लोग टेररिज्म के खिलाफ बोलो तो बोले सांप्रदायिक, जनसंख्या वृद्धि के लिए बोलो तो बोले सांप्रदायिक, घुसपैठियों के लिए बोलो तो सांप्रदायिक, तो मेरे देश के लिए कौन बोलेगा भाई?